अटल मोदी सुषमा के बिना अमेरिका में भारत की तारीफ। एससीओ की मीटिंग में मोदी ने पुतिन को समझाया। कई देश कश्मीर पर भारत के साथ आए। तुर्की का भारत को प्रणाम, चीन का सलाम। फ्रांस ने भारत का किया जय जयकार। अमेरिका ने भी किया दंडवत। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठकर एक बयान की कीमत क्या होती है? कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मोदी ने साफ साफ समझा दिया, ये वक्त युद्ध का नहीं है। बस उस बयान के बाद अचानक कई देशों का मन ही बदल गया। फ्रांस से लेकर तुर्की तक का बयान ये साफ इशारा करता है कि वो विश्व मंच पर मोदी का ये बयान काफी कुछ बदलाव लाया है। तुर्की कश्मीर को लेकर हमेशा भारत का विरोध करता रहा है। पाकिस्तान का पक्ष रखने वाला तुर्की भारत के पक्ष में पहली बार बोला। तुर्की के राष्ट्रपति रेसप ने तो पहली बार संतुलित बयान दिया, कश्मीर में शांति लौटाने का जिक्र किया। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने पुतिन को समझाया तो तुर्की को खुद ही अकल आ गई। तुर्की ने बयान दिया कि भारत और पाकिस्तान को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन दोनों देश आज तक कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल पाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि कश्मीर में सुख और समृद्धि फिर से लौट आएगी। ये बयान इसलिए कीमती है क्योंकि तुर्की मतलब दूसरा पाकिस्तान। अचानक कश्मीर के साथ आना, मोदी की तारीफ में इशारा करना कि हम भारत के साथ हैं, इसका मतलब क्या है? तुर्की और पाकिस्तान मित्र देश हैं। ऐसे में तुर्की का भारत के पक्ष में बोलना साबित करता है कि पाकिस्तान में चूल्हा नहीं जलेगा। एससीओ में मोदी की मीटिंग के बाद क्या ये इशारा साफ दावा करता है कि मोदी ही कश्मीर को सुधार सकते हैं? तुर्की की अकल ढीली क्यों हुई, इस बात को समझना है तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमनियल माइक्रो के बयान को समझिए। अमेरिका में जाकर भारत की तारीफ में क्या कहा, अब ये भी सुनिए। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में सबकी बोलती बंद कर दी थी, ठीक वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति माइक्रो भारत का पक्ष रख कर सबको हैरान कर गए। एससीओ की मीटिंग में मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया तो असर पूरे विश्व में हुआ। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, पर अचानक रुख बदल गया। मोदी ने शांति का पाठ रूस को पढ़ाया, सीखा चीन जिस ताइवान की सीमा पर चीन हवाई हमले की प्लानिंग में था, अचानक शांति दूत बनकर बात क्यों करने लगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी ये रिपोर्ट, लेकिन मोदी की शांति वाली बात तो दुनिया को पसंद आ गई। अब आइए हम आपको सुनाते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति माइक्रो ने अमेरिका में भारत और मोदी के बारे में क्या कुछ कहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा, आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप भी कहेंगे वाह क्या बात है मोदी जी। फ्रांस के राष्ट्रपति माइक्रो ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये पश्चिम से बदला लेने और पूरब के खिलाफ खड़ा करने का समय नहीं है। ये वक्त है कि हम सभी राष्ट्र हमारे सक्षम मौजूदा चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करें। इसलिए उत्तर और दक्षिण के बीच नए समझौतों की सख्त जरूरत है। एक ऐसा समझौता जो खाद्यान्न, शिक्षा और जैव विविधता के क्षेत्र में हो, ये सोच को सीमित करने का नहीं बल्कि साझा हितों के लिए खास कार्रवाई करने के लिए गठबंधन बनाने का है। इसलिए मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने जो बात एससीओ की मीटिंग में कही है वो सबको माननी चाहिए। तो सुना आपने, ये सोच है अलग अलग देशों की, जिनको लगता है कि भारत पीओके में घेराबंदी नहीं कर पाएगा, उनको मोदी की कश्मीर नीति को देखना चाहिए। ये बात सही है कि कश्मीर में कुछ निर्दोषों का खून बहा, लेकिन क्या उनका कर्ज ऐसे ही उतरेगा? उसके लिए दुनिया को भारत का साथ देना होगा, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता। ये भारत की दोहरी नीति है, वही नीति जो अमेरिका की थी। सालों से चीन जिस नीति पर काम कर रहा था, हथियार बेच कर कहो हमें युद्ध नहीं करना, हम शांति चाहते हैं। एक तरफ भारत हथियार तेजी से बेच रहा है, बना रहा है, दूसरी तरफ शांति की बात भी कर रहा है। एक तरफ महात्मा गांधी का पाठ और दूसरी तरफ भगत सिंह का अवतार, सबको समझ में आ रहा है। तो क्या अब भारत भी डबल गेम खेल रहा है?
अनाज के निर्यात पर रोक, मतलब कई देशों में भूख का संकट। जिन देशों में अनाज का संकट आएगा उसमें तुर्की चीन भी शामिल है, इसलिए मोदी ने इन्हें झुका दिया। ईरान कहता था हमसे तेल नहीं खरीदेंगे तो हम चावल नहीं लेंगे, भाई अब उल्टा हो गया है। मोदी ने साफ कहा है कि हमें रूस की तरह हमें सस्ते दाम पर तेल दो तो हम लेंगे, चावल भी दे देंगे। अब पाकिस्तान पर क्या बीत रही है ये समझिए। जो देश कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ थे वो अब नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को राफेल फाइटर प्लेन के बदले एक लॉलीपॉप हथियार दिया, इसका नाम है J-10C। मोदी के SCO मीटिंग का कांग्रेस के नेता मजाक बना रहे थे कि मोदी को सबने किनारे खड़ा कर दिया, पर आप जान लीजिए कि किनारे वाले बंदे ने ही सबको किनारे लगा दिया। दुनिया के पास तीन विकल्प हैं, सबसे पहला भारत की बात सुने, समझे और शांति से रहे, दूसरा भारत के साथ व्यापार करे, कुछ दो कुछ लो, और तीसरा भारत कब्जे की नीति नहीं रखता लेकिन कश्मीर पर क्या करना है बहुत अच्छे से जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।